भारत में रोजगार विहीन विकास की खबरों से चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों से अपने मंत्रालय से स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी मंत्रालयों से नए रोजगार अवसर पैदा करने के लिए शुरू योजनाओं का विवरण मांगा है। चार देशों की यात्रा पर रूस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक फोरम के पूर्ण अधिवेशन को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि भारत और रूस के संबंधों की गहराई लगातार बढ़ी है। भारत अब तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। नोटबंदी के बाद देश की जीडीपी में आई गिरावट को लेकर केंद्र सरकार भले ही कुछ कह रही हो, लेकिन कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि नोटबंदी की वजह से जीडीपी में गिरावट आएगी और मेरी बात सही निकली। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रही महागठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसका ताज़ा मामला शुक्रवार को तब देखने को मिला जब नीतीश कुमार की बुलाई कैबिनेट की बैठक में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी समेत कई मंत्री नहीं पहुँचे। ये बैठक पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के मामले पर चर्चा के लिए बुलाई गयी थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की हैं। केजरीवाल के खिलाफ ये एफआईआर पीडब्ल्यूडी घोटाले से जुड़े मामले में दर्ज हुई हैं। भारत ने ओडिशा के चांदीपुरा में शुक्रवार को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली ये मिसाइल 350 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट डील से अमेरिका को बाहर रखने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा कि पेरिस डील में भारत और चीन जैसे पॉल्यूटेड देशों के लिए कोई खास सख्ती नहीं की गई है। ट्रंप ने ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए की जा रही कोशिशों की धीमी गति को लेकर भी चिंता जताई है। फिलीपींस की राजधानी मनीला के एक कैसीनो में शुक्रवार को हुए हमले के बाद अब तक 36 शव बरामद किए गए हैं। ये घटना शुक्रवार को रिजॉर्ट्स वर्ल्ड मनीला कैसीनो में हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों और अधिकारियों को अफगानिस्तान टी20 लीग में भाग लेने से रोक दिया है, जिसके बाद अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध बिगड़ गए हैं। भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुए। बम्बई शेयर बाजार सेंसेक्स 135.70 अंक की बढ़त के साथ 31,273.29 अंक के नए रिकॉर्ड स्तर पर और निफ्टी 37.40 अंक की बढ़त के साथ 9,653.50 अंक के नए रिकॉर्ड पर बंद हुए हैं।